से आ रहे थे हम और ट्रेन के अंदर गलती से एक बैग रह गया था, ये अजमेर इंटरसिटी के अंदर रह गया था, अजमेर इंटरसिटी के अंदर, जो हमने फालना भी चेक किया, रानी भी चेक किया, लेकिन नहीं मिला, अजमेर इतला की हुई थी, अजमेर में मिल गया बैग। साहब का धन्यवाद, उन्होंने जो बैग दिया उसमें कीमती सामान 60 से 65 हज़ार रुपया था, कीमती सामान चांदी के जवाहरात थे, कपड़े थे, मोबाइल था ओप्पो का, वो सब मिल गया, पूरा सभी चीज़ मिल गई पूरे सब। मेरा नाम फुटरमल साकला जी माली फालना। कल दिनांक 18/4/19 को जीआरपी चौकी फालना इंचार्ज द्वारा हमारे थाने पर सूचना प्राप्त हुई मुझे हेड कांस्टेबल को कि कोई बैग किसी पार्टी का जो फालना की रहने वाली है भूल से उतर गई और बैग रह गया, उसमें करीब 60-65 हज़ार रुपये नकद हैं, एक मोबाइल है ओप्पो कंपनी का, चांदी की पाजेब की जोड़ियाँ हैं और शादी ब्याह के इस्तेमाल होने वाले कपड़े हैं, जो जिस पर मारवाड़ जीआरपी द्वारा फालना और ब्यावर द्वारा भी चेक किया गया लेकिन गाड़ी में नहीं मिल पाया बैग, जिस पर उक्त गाड़ी इंटरसिटी के अजमेर आने पर मन हेड कांस्टेबल द्वारा जाकर गाड़ी को गहनता से तलाश करा तो उसमें ये बैग लावारी अवस्था में सीटों के नीचे मिल गया, जिसको थाना अजय पर ला के सामान चेक किया तो सभी सामान दुरुस्त हालत में मिला, जिस पर पार्टी को सूचना दी गई, जिस पर ये पूरणमल जी माली आज आए हैं फालना से और जिन्हें सभी सामान मेन नकदी और जेवर तथा मोबाइल के दुरुस्त हालत में संभलाया गया है। ये फालना के रहने वाले हैं पर अभी ये पूना में रह रहे हैं, वहीं इनका बिजनेस व्यापार है, शादी ब्याह के हिसाब से अपने गांव आए थे। आपका नाम और पदनाम? खलील अहमद, हेड कांस्टेबल नंबर 58, जीआरपी थाना अजमेर।